अबे चूतिए, सरपंच जी ने बुलाया है। हाँ सरपंच के दलाल क्यों चीख रहे हैं? सरपंच जी ने बुलाया है, आज पंचायत है, जल्दी आ जाओ वरना गांड मार लेगा सरपंच। चलो आ रहा हूँ, देखता हूँ क्या माचुदा रहे हैं सरपंच। कपड़े चेंज कर लूँ। सरपंच जी ने आपको बुलाया है। सरपंच जी ने मुझे कैसे पूछ लिया? चलो आता हूँ मैं कपड़े चेंज करके। सरपंच जी ने बुलाया है। ठीक है आ रहा हूँ। भाई तुम सबको बुलाने का मेरा एक ही मकसद है, मैं अभी 2-3 गांव में घूम के आ रहा हूँ। वहाँ पर इतनी तरक्की हुई पड़ी है, एक साला अपना गांव है ये लीचड़ों से भरा हुआ, भड़वों से सबके सब मादर चोद हैं यहाँ, एक मुझे छोड़ के। हाँ एक इसे भी छोड़ के। ये पंचायत मैंने सिर्फ इसलिए बैठाई है ताकि हमारे गाँव की तरक्की के बारे में सोचा जाए। अब अपनी अपनी राय दो, कैसे हो सकती है अपने गाँव की तरक्की? देखो सरपंच जी, इस गांव की तरक्की हो सकती है एक नई पीढ़ी से, जैसे कि हम सब लोग। हमें तो रात को पूरी रात नींद आती नहीं है। अब ऐसे ही मेरा सुन लो, मैं रात को 3 बजे चलक तुम्हारी भाभी से बात करता रहता हूँ, फिर अचानक से मुट्ठी लग जाए, फिर चाहे दिन का 2 बज जाए मुझसे ना उठा जा सकता। सारी ताकत तो खत्म कर ली तुमने, 2 बजे से पहले क्या उठोगे? यार यहाँ काम की बात चल रही है, काम की बात करने के लिए बुलाया है तुम लोगों को, तुम लोग यहाँ बदतमीजी कर रहे हो, तुम लोग छोड़ो। हाँ भाई टीटू भाई साहब तुम बताओ। देखो भाई सरपंच जी, अगर गांव की तरक्की चाहते हो, गांव की एक एक गली में सड़क होनी चाहिए, तब जाके होगी गांव की तरक्की। देखो टीटू साहब, तुम निकले बहुत बड़े आले गांडू, अगर सड़कें बढ़िया हो जाएंगी तो लौंडे अपनी माँ चुदवाने लगेंगे, गाड़ियाँ तेज चलाएंगे और एक्सीडेंट होंगे, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? भोसड़ी का तू नहीं ना। और रही बात सड़कों की, तो वो काम है सरकार का, हमारी गांड में इतना कहाँ गुदा है जो हम सड़कें डलवा पाएँ। तुम अपनी बात को अपने पिछवाड़े में घुस लो। और देखो अजीत भाई, आप बताएं कुछ, अपनी कोई बढ़िया सी राय दें अजीत भाई। देखो सरपंच साहब, गाँव में बनवा दो एक बहुत बेहतरीन वाला अस्पताल, और बढ़िया बढ़िया डॉक्टर होने चाहिए, इलाज भी सब गरीबों का फ्री हो, और नर्सें तो रशियन रखवा दो, फिर गांव की तरक्की क्या तरक्का भी खड़ा हो जाएगा। अजीत भाई तुम्हें पता है एक रशियन का खर्चा कितना आता है? तुम्हारा घर और गांड बिक जाएगी फिर भी एक रात का खर्चा नहीं दिया जाएगा। और रही बात अस्पताल की, कहीं के मिनिस्टर हैं जो अस्पताल बनवाएंगे, ये काम भी सरकार का है, सरकार पर छोड़ दो, इसके लिए भी हमारी गांड में गुदा नहीं है। कुछ और हो बताओ, कोई और राय हो आपके पास? सरपंच साहब एक काम कर लो, स्कूल खुलवा दो, उसमें 7-8 मैडमें रखवा दो, और मुझे अकेले को सर बना दो, उसमें मज़ा आ जाएगा और गांव की तरक्की भी हो जाएगी, और बच्चे इंग्लिश बोलना भी सीख जाएंगे, फिर देखो तरक्की ही तरक्की होती है। साले तू गांव की तरक्की के बारे में सोच रहा है या अपनी तरक्की के बारे में सोच रहा है? तू चुप जा। टीटू साहब तुम बताओ दोबारा। मैं ना बता रही, फिर तुम मना कर दोगे? नहीं करूँगा मना। नहीं नहीं मैं बता ही नहीं रहा। तुम्हारी कसम नहीं करूंगा मना, बताओ। तो एक काम करो, गांव में एक पार्क खुलवा दो। तू चुप जा भूतनी के, लगता है तुझसे गलत ही पूछ लिया, ये काम सरकार का है तुझे पता नहीं है? पीछे वाले बात बेटा तुम बताओ। तो एक काम करो, पूरे गांव में बेरोजगार घूम रहे हैं, पूरे गांव की नौकरी लगवा दो, फिर इस गांव की तरक्की हो जाएगी। साले मुठिया रो, 2 बजे पहले तुमसे उठा नहीं जाता है, नौकरी तुम्हारी लगवा दे, तू चुप जा साले। कोई और बताओ भाई। अरे सरपंच साहब मैं बताऊँ आपको गांव की कैसे होगी तरक्की, क्योंकि यहाँ पर मैं हूँ सबसे ज्यादा दिमागदार। तू चुप जा, जब से पंचायत हुई है जब से तू चुप ही बैठा है, चुप ही बैठा रहे। और हाँ तुझे तो साले मैंने बुलाया भी ना, आया क्यों यहाँ पर? चल निकल यहाँ से, तेरी अम्मी ढूंढती फिर रही है तुझे। हट मादर चोद। आएगा सरपंच, ना तू सड़कें बनवा रही है, ना हॉस्पिटल बनवा रही है, ना पार्क, ना स्कूल, इससे बढ़िया रंडी खाना खुलवा दे यहाँ। ये हुई ना बात,
थोड़ा सा डाटा डपटा गांव की तरक्की की बात हो गई। गांव में रंडी खाना खुलवाने को कह रहे हो, तुम मुझ पर दबाव बना रहे हो। खुलवाओ खुलवाओ तो कल को ही खुलवा दूंगा, ये गांव की तरक्की की बात है, पीछे नहीं हटूंगा। बिल्कुल भी सही है, और अपनी बहुओं को भेज दियो, काम पर रखवा दूंगा। सही है ना, अब किसी ने मना कर दिया ना तो जान से मार दूंगा एक एक को। चल बे चल, पंचायत खत्म हो गई। सरपंच जी सब ने अच्छी अच्छी बातें कही, किसी ने कहाँ दबाव बनाया तुम पर, ये तो बच्चे ने गुस्से में बोल दिया और तुमने सच मान लिया। अबे तू समझा नहीं, मैंने निकलवाई है उसके मुंह से जान पूछ के। 50 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है मुझे इस काम के लिए, अब जो है घर के पास ही हो जाया करेगा। अगर मैंने अपने पास से खुलवाया कुछ जबरदस्ती तो साले सरपंच की कुर्सी से भी हटा देते, मुझे और कोठा भी बंद करवा देते। अब इनके ऊपर दबाव रहेगा, ये हटवा भी नहीं सकते, मेरे काम फ्री में हो जाएगा, पैसे अलग से कमाऊँगा। और क्या, कैसी रही? दिमाग बहुत लगाया मादरचोद। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और हम ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे, और उम्मीद है कि आपको पसंद आई हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।